फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइज, यहाँ पर अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी, और जहाँ मैंने जो आपको दिखाया था ना मेहंदी का प्रोग्राम, उन्हीं की यहाँ पर आज है बारात का। तो गाइज, आज बारात आएगी और आज है लड़की का निकाह, तो बस उसी में हम लोग जा रहे हैं। तो गाइज, यहाँ पर हम लोग सभी लोग रेडी हो चुके हैं और आए हैं हमारे इमरान भाई भी। तो हमारी छोटी दुल्हन इमरान भाई और मैं, हम लोग जा रहे हैं। और अप्पी नहीं जा रही है गाइज, क्योंकि अप्पी को ना सफ़र से बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, सफ़र की वजह से थोड़ी सी, तो इसलिए वो नहीं जा रही है। वो कह रही है मेरा मन नहीं है, तुम चली जाओ, अदीबा को ले जाओ। तो यहाँ पर हमारी प्रिंसेस भी जा रही है हमारे साथ में। और देख लीजिए, हम लोग आ चुके हैं और ये है बाहर का पूरा व्यू डेकोरेशन। और अभी दिखाते हैं आपको अंदर का। तो ये देख लीजिए गाइज, ये है अंदर। तो यहाँ से एंट्री होती है सभी मेहमानों की गाइज। तो बस चलिए अंदर चलते हैं और करते हैं शादी इंजॉय, और देख लेते हैं कि शादी में क्या चल रहा है गाइज। हम लोग तो बहुत ज़्यादा लेट आए हैं, क्योंकि हम लोगों को आते आते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है गाइज। और अप्पी आ जाती है ना, मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है, ऐसा लगता है सबको छोड़ छाड़ के ना बैठ जाऊँ मैं अप्पी के पास, और अप्पी को छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और हमारी छोटी दुल्हन तो कहती है कि बाजी आप बैठ जाया करो, मैं सारा कुछ देख लूँगी, लेकिन अच्छा नहीं लगता है गाइज, अकेली हमारी छोटी परेशान होंगी, इसलिए मज़ा नहीं आता है ऐसे। तो हम लोग जल्दी से थोड़ा बहुत जो भी काम रहता है हमारा छोटे मोटे सबको करके और अप्पी के पास बैठ गए थे गाइज। तो यहाँ पर हम लोग गप्पे शप्पे लगा रहे थे और इतने लेट हो गए ना बहुत ही ज़्यादा। तो गाइज देख लीजिए, यहाँ पर बारात जो है वो आ चुकी है और बारातियों का खाना चल रहा है गाइज। उसी टाइम पर हम लोग भी पहुँच गए हैं और स्टेज पर भी किन्नर वगैरह आए हुए हैं। तो देख लीजिए आप लोग, दिखाते हैं हम आपको। गाइज़, यहाँ पर हम लोग बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा खाना जो है ना गाइज़, वो लग चुका है। तो ये सब कुछ है गाइज़ खाने में, मटर पनीर की सब्ज़ी है, जीरा राइस है, छोले की सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी, आधा आलू हैं, गुलाब जामुन है, दही बड़े और पूड़ियाँ। देखिए गाइज़, यहाँ पर हमारी अदीवा का खाना लगा है, और अदीवा ये बैठी है और ये छोटी दुल्हन बैठी है, और ये हमारी अदीवा का खाना लगा है। अलग प्लेट लगी है हमारी अदीवा की। गाइज दुल्हन माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। और माशाल्लाह दूल्हा भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, जोड़ी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। अल्लाह ताला इनकी जोड़ी को नजरेबद से बचाएं। और ये पास ही में बैठे हैं इनके चाचा चाची। और गाइज यहाँ पर ये लड़का लड़की का खाना लगने वाला है, दूल्हा दुल्हन का। तो खाने के लिए यहाँ पर दूल्हा दुल्हन को बिठा दिया है और इनके हो रहे हैं फ़ोटोशूट। यहाँ पर इनकी फ़ोटो वगैरह भी क्लिक हो रहे हैं। और ये देखिए माशाल्लाह जोड़ी कितनी प्यारी है, और मुस्कुराते हुए तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं आफरीन। तो गाइज देखिए, यहाँ पर अभी सभी लोगों का खाना चल ही रहा है और यहाँ पर दुल्हन भी खाने के लिए बैठ चुकी है गाइज। तो बस, और अभी हम लोगों का भी चल रहा है खाना। तो बस गाइज, अभी हम लोग आएंगे दुल्हन से मिलने के लिए, उन्हें मुबारकबाद देने के लिए, क्योंकि मैं अभी तक मिली नहीं हूँ आफरीन से। और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हैं, बार बार बोलने से मैं रोक नहीं पा रही हूँ अपने आप को। और देखिए, हम लोग आ ही गए हैं और यहाँ पर वीडियो बन रहा था, तो बस हम लोग खड़े हो गए थे, फ़ोटोशूट चल रहा था,
तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाई थी आफरीन से, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना बीच में से गाइज उनके फ़ोटो क्लिक हो रहे हैं और हम बीच में से कुछ बोलें तो मज़ा नहीं आता है। तो मैंने कहा ये सब हो जाए इसके बाद मैं इनको बोलूँगी मुबारकबाद दूँगी, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दुल्हा दुल्हन का खाना लग चुका है और इतना ढेर सारा खाना दुल्हा दुल्हन के लिए लग जाता है, बेचारे बिल्कुल भी नहीं खा पाते हैं और खिलता ही नहीं है गाइज, इतनी सारी पब्लिक आसपास होती है ना इसलिए। और ये देखिए यहाँ के स्टेज का डेकोरेशन है, लड़का लड़की तो वहाँ से उठ गए हैं लेकिन और भी लोग हैं वो बैठकर अपने फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। और ये पूरे गार्डन का व्यू है गाइज, बहुत ही अच्छी डेकोरेशन थी माशाल्लाह, और शादी का प्रोग्राम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर ये मिलने आ रही हैं मुझसे लड़के की दुल्हे की माँ, ये वो हैं, तो वही कह रही थी और पूछ रही थी मम्मी के बारे में कि भाभी कैसी हैं, भाभी क्यों नहीं आई हैं, मम्मी को भाभी बोलती हैं ये, तो मम्मी के बारे में पूछ रही थी। तो बस गाइज़ ये और ये इनके शायद चाचा की बेटी हैं तो वो हैं। और यहाँ पर ये जो पर्पल कलर के दुपट्टे में हैं वो हैं दूल्हे की दादी, तो वो भी मुझसे मिल रही थी। और ये लोग गाइज पहले लाइन में ही रहा करते थे और ये लोग अभी ग्वालियर शिफ्ट हो गए हैं गाइज, तो बस वही पुरानी बातें निकल आती हैं। तो यहाँ पर हम लोग सब इसी तरह से बातचीत कर रहे थे और सभी के बारे में पूछ रही थी और मम्मी की तबीयत के बारे में। तो ये देखिए ये दादी हैं और यहाँ पर हमारी छोटी दुल्हन अदीवा में खड़े हैं, इमरान भाई, और इमरान भाई तो वागस गाइज शुरू हो जाते हैं सभी से, इनकी अच्छी खासी पटती है गाइज और नेचर ही उनका इतना अच्छा है ना, बहुत ही ज़्यादा हमारे इमरान भाई का नेचर बहुत अच्छा है, मिलनसार हैं, हर किसी से खूब अच्छी खासी जमती है इनकी, और इनके फ्रेंड सर्कल तो गाइज बहुत ही ज़्यादा है। तो बस गाइज देख लीजिए यहाँ पर सभी से मिलवा रही हैं दूल्हे की दादी कि देखिए ये हैं ये हैं, क्योंकि गाइज काफ़ी टाइम बाद जब मिलते हैं ना तो भूल जाते हैं इसलिए। तो यहाँ पर ही बता रही हैं कि ये दूल्हे की बहन है, इस तरह से ये भाई हैं छोटे उनसे। तो बस अभी मिलेंगे यहाँ सभी लोगों से और फिर निकलेंगे घर के लिए, तो मिल लेते हैं गाइज। गाइज़ यहाँ पर सभी लोगों से मिलना मिलाना हो गया है और हम लोग निकल रहे हैं, तो अभी इमरान भाई हमको घर छोड़ आएंगे और फिर ये वापस आएंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी फ्रेंड भी हैं इमरान भाई के और फिर थोड़ा सा काम भी इनको देखना है यहाँ पर, तो वो इसलिए वापस आ जाएंगे। और अभी हमारी अदीवा और हम दोनों जा रहे हैं गाइज़, तो बस चलते हैं घर पर और फिर मिलते हैं आपसे घर पर। गाइज़ आज है नेक्स्ट डे और है सुबह का टाइम गाइज़, तो यहाँ पर हमारी अदीवा नहा धोकर फ्रेश होकर आ गई हैं गार्डन में अपनी नानी को लेकर। तो यहाँ पर अदीवा लेकर आई हैं अपना हाउस, तो बस वही उनकी मम्मा बना रही हैं, अपी बना रही हैं अदीवा के लिए हाउस और अदीवा यहाँ पर खेलेगी। तो बस गाइज़ चालू है कंटिन्यू, तो देख लीजिए आप हमारी अदीवा भी बैठी है नानी के पास में और कह रही है कि जल्दी से बना दो मम्मा फिर मैं खेलूँगी। तो बस इस तरह से चल रहा है अभी यहाँ पर और बस मस्ती चालू है गाइज, देख लीजिए आप लोग। अदीवा अदीवा का हाउस तैयार हो रहा है, अदीवा 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 क्या बन रहा है, अदीवा
देखो क्या तैयार हो रहा है आपका, जल्दी बताओ। अरे अल्लाह, अरे अल्लाह, ये नजाकत, अरे अल्लाह, अदीवा इधर तो देखो। ये देखिए गाइज, यहाँ पर हमारी अदीवा का हाउस बनकर रेडी हो चुका है और अदीवा इसके अंदर जा रही हैं। तो देखिए गाइज, बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है हमारी अदीवा हमारी आने के बाद में, उसको स्पेस जो है ना वो बहुत सारा मिल जाता है। तो ये देखिए नन्ही नन्ही सी हरकतें, नन्ही सी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया है ये हमारी, बहुत ही प्यारे लगते हैं छोटे छोटे बच्चे। तो गाइज सभी को अच्छे लगते हैं बच्चे, तो और बच्चे होते ही इतने प्यारे हैं ना, अच्छे क्यों नहीं लगेंगे। तो देखिए गाइज़, अभी अदीवा का खेल कूद चालू हो चुका है, तो बस अदीवा तो हमारी खूब इंजॉय करने वाली है और अदीवा के साथ हम भी खूब इंजॉय करते हैं गाइज़, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए यहाँ पर इनकी बुआ, इनका मन कर रहा है कि मेरे भतीजे बाहर कैसे रह गए, तो मैंने भी अंदर कर दूँ। तो देखिए गाइज़ इन्हें भी अंदर कर रही है और मुझे देख कर भी हंसी आ रही है ना बहुत ज़ोर से। तो गाइज यहाँ पर अपने भतीजों को भी इन्होंने अंदर कर दिया है, देख ही सकते हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये बहुत हंसी आएगी हमारी अप्पी की हरकतों पे। तो बस इस तरह से हमारे यहाँ चलता है गाइज, आप लोग देखकर ही आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी मस्ती होती होगी हमारे यहाँ पर। तो बस गाइज यहाँ पर रियान फरहान इसमें आ भी नहीं पा रहे थे, इसको उठा कर इनके ऊपर से इनको हाउस को रख दिया है हमारी अप्पी ने। तो फिलहाल इस तरह से खेल रहे हैं बच्चे गाइज, इंजॉय कर रहे हैं, देख लीजिए आप लोग। तो गाइज यहाँ पर मैं आ गई हूँ उज्मा को बुलाने के लिए कि देखो उज्मा बच्चे किस तरह से खेल रहे हैं, और हमारी उज्मा कर रही थी अंदर काम, तो अभी मैं बुला कर लाई हूँ। तो उज्मा भी आ गई हैं और उज्मा भी देखकर कंट्रोल नहीं कर पाई हैं, देखिए कितनी जल्दी से दौड़कर जा रही हैं बच्चों को देखने। तो बस इस तरह से चल रहा है हमारा अभी। ये देखिए गाइज, आप भी बनाकर लाई हैं मम्मी के लिए तिली के लड्डू, जो कि बहुत टेस्टी लग रहे हैं, और अम्मे और उज्मा तो खाने भी शुरू हो गए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। तो अभी चल रहा सभी का खाना, तो बस मैं अभी देने जा रही थी, तो मैंने सोचा बताती हूँ आप लोगों को कि अप्पी हमारे लिए क्या लेकर आई है, हमारे लिए नहीं स्पेशली हमारी मम्मी के लिए। ये देखिए गाइज, मैं घर पर नहीं थी और मेरे जाने के बाद कौन आया हमारे घर, आई थी नफीसा बाजी बात रखने के लिए, जो शादी से पहले बात रखा जाता है ना चाचा ताऊ के यहाँ पर, अपनी मम्मी के यहाँ पर इस तरह से रखा जाता है हमारे यहाँ पर। तो वो लेकर आई थी ये कलसा और गुड़, चावल हैं शायद इसके अंदर, चावल है ना उज्मा, हाँ इसके अंदर चावल हैं। और ये मुझे अभी उज्मा ने बताया, मैंने कहा रे वाह, मैंने कहा नफीसा बाजी आई थी, और मुझे मम्मी ने फ़ोन पर भी बता दिया था, लेकिन अब क्या करते हम तो निकल चुके थे घर से और देवली पहुँच भी चुके थे, तो ये लड्डू का डब्बा ये लेकर आई हैं। तो अच्छा लगा मुझे देखकर, मैंने कहा रे वाह नफीसा बाजी आई थी, पर मैं नहीं मिल पाई उनसे, कोई नहीं।
हो जाता है गाइस। और यहाँ पर सभी लोगों का नाश्ता चल रहा है, तो यहीं मैं ब्रेड को सेक रही थी गाइस, खाना चल रहा है। और हबी जी अभी सोकर उठे हैं, और हबी जी जब उठते हैं तभी फिर चाय ब्रेड तो लगती है उनको खाने के बाद, तो बस वही चल रहा है। और साथ ही में लड्डू भी हमने निकाले हैं। उसको भी पता है यूट्यूब पे जाएगी मेरी वीडियो। है अदीवा, अदीवा क्या कर रही हो? मामू के साथ मस्ती अदीवा की, मामू के साथ चुलाइए। ज्यादा जोर से नहीं दे रहा, मुंह के बल आके गिरेंगे। नहीं अदी वह सही खड़ी है, उसमें झुला इमरान या फिर इमरान ये झुला उसमें को। गाइस यहाँ पर अभी तो आ चुकी हैं, और हमारे साथी में इमरान भाई भी आए हैं। हमारे साथ नहीं है मतलब साथी में आए हैं इमरान भाई भी। हम लोग तो चले गए थे अपनी को लेने, और इमरान भाई अब हम लौट कर आए, तो हमें घर पर मिले हैं इमरान भाई। यहाँ पर दोनों बहन और भाई के लिए बन रहे हैं आलू के पराठे, क्योंकि सर्दियों के मौसम में सभी को अच्छे लगते हैं हमारे यहाँ पर आलू के पराठे। तो बस यहाँ पर एक पराठा बन चुका है, तो सबसे पहले मम्मी को देंगे, उसके बाद बाकी लोगों को। तो बस बना लेते हैं। तो गाइज ये देखिए, ये है हमारे खाने का फाइनल लुक। शाम के खाने में बनाए हैं आलू के पराठे। और गाइज ये था मेरा आज का व्लॉग, अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। गाइज चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।